गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड सर्विस मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो इसमें आएगा व्हेन ऑल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, रिसोर्सेज एंड टूल्स आर यूज्ड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, मींस हर एक तरीके के रिसोर्सेज जिनको जब हम इकट्ठे यूज़ करते हैं कस्टमर को उस अट्रैक्ट करने के लिए अपनी सर्विसेज के लिए, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, इससे क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी अपना प्रॉफिट होता है। ठीक है, इन जनरल मार्केटिंग बिगिंस विद मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग कम्युनिकेशन और प्रमोशन इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। सो द इंटीग्रेटेड सर्विसेज मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज टूल्स विद अदर मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू गेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड प्रमोशन मिक्स हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ यूज ब्रॉडली फॉर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इन कन्वेंशनल मार्केटिंग डिफरेंट प्रोफेशनल एजेंसीज आर अपॉइंटेड फॉर द प्रमोशनल एक्टिविटीज। हेयर द इफेक्ट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड विच रिजल्ट इन कॉन्ट्राडिक्टरी कम्युनिकेशन। तो इसमें जो है कम्युनिकेशन में जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, कहीं पे ज़्यादा मार्केटिंग है कहीं पे कम है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज मार्केटिंग में आएगा एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, वर्ड ऑफ माउथ, ये सारे आएंगे। ठीक है, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, व्हेन द टारगेट ऑडियंस इज इन्फ्लुएंस्ड टू परचेज एंड ऑफर्ड सर्विस थ्रू अ प्रमोशनल मैसेज इट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। दिस इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग डिफरेंट पेड मीडिया सच एज टेलीविजन। हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट जो है वो आती है टीवी पे, रेडियो पे। सेल्स प्रमोशन क्या होता है कि हमें अपनी जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करना है। ये कैसे हो सकता है, जैसे सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने कोई भी, ठीक है, उस सैंपल को आगे लोग यूज करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, सेल्स प्रमोशन होगी। अगर लोग सेटिस्फाइड होंगे तो वो और लेंगे, ये प्रोडक्ट परचेज करेंगे, अगर नहीं होंगे तो दे विल नॉट परचेज। इट इज अनदर इम्पॉर्टेंट टूल फॉर प्रमोशन मिक्स। इट इज डन टू इम्प्रूव द सेल्स ऑफ द सर्विसेज बाय कन्विंसिंग द कस्टमर्स टू परचेज द प्रमोटेड सर्विस। नेक्स्ट इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है, यहाँ तो फेस टू फेस होती है, आप डोर टू डोर जाते हो, यहाँ टेलीफोनिक होती है, टेलीफोन पे बात करते हो। ठीक है, तो आप परस्यू करते हो, उनको बोलते हो कि आप ये प्रोडक्ट जो है वो खरीदो। इससे एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बिल्ट होता है कस्टमर और ओनर के, कंपनी के बीच में, सर्विस प्रोवाइडर के बीच में। नेक्स्ट इज पब्लिसिटी। पब्लिसिटी होता है कि जब यहाँ तो लोग प्रोडक्ट आपका खरीदते हैं फिर वो आगे पब्लिसिटी करते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई सर्विसेज ली, ठीक है, आप किसी सलून में गए या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ का आपको खाना अच्छा लगा, कि आपने अपने दोस्तों को बताया कि यार वहाँ का खाना बहुत अच्छा है तो तुम लोग भी वहाँ ट्राई करो, डैट इज़ पब्लिसिटी। पब्लिक रिलेशंस होता है जैसे आप अपनी एक इमेज बनाना चाहते हो, ठीक है, सोसाइटी में। ये जो पीआरस होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के भी होते हैं, इंडिविजुअल के भी होते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के भी होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि आप अपनी अच्छी इमेज के लिए क्या क्या कर रहे हो वो लोगों को बताते हो, ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और आपका जो प्रोडक्ट है वो खरीदें। ठीक है, नेक्स्ट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि हम ट्रेडिशनली ये जो मेथड था ये मार्केटिंग में नहीं था। इसमें क्या आती हैं, बजट्स, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि जो हमने फुलफिल करने हैं। तो इसमें हम सीधा उन कस्टमर्स के पास जाते हैं जिनका हमें पता है कि हाँ ये तो करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एडमिशन्स के लिए जाते हैं तो हमें अगर 10th या प्लस टू, अगर हमें ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम प्लस टू के स्टूडेंट्स के पास जाएंगे कि वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लें। That is direct marketing. Next is word of mouth. When an individual or consumer passes on, word of mouth क्या होता है,
आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, आगे आप अपने किसी दोस्त को बता रहे हो कि यार वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तू भी यूज करके दे, दैट इज वर्ड ऑफ माउथ। या आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, सर्विसेज वहां की आपको अच्छी लगी, आप वहां पे वर्ड ऑफ माउथ उस पे बताओगे कि ये तू भी यूज कर। वर्ड ऑफ माउथ इज नॉट ओनली इंक्लूसिव ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन बट अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक फेस टू फेस इंटरेक्शन, टेलीफोनिक एंड टेक्स्ट कॉन्वर्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन आपको पता ही है, आप ऑनलाइन जाते हो, ये इतनी सारी वेबसाइट बनी है, वहां पे जाके सर्च करते हो, अपना प्रोडक्ट अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले लेते हो। नेक्स्ट इज स्पॉन्सरशिप, एन इन्वेस्टमेंट मेड इन कैश और काइंड इन एन एक्टिविटी इन कंसिडरेशन ऑफ असेस टू द एक्सप्लॉयटेबल कमर्शियल पोटेंशियल। क्या होता है, जैसे आप देखते हो कोई इवेंट्स होते हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट का इवेंट हो रहा है, ठीक है, तो कोई कंपनी है वो स्पॉन्सर कर रही है, वो खर्चा कर रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्सरशिप। नेक्स्ट इज इवेंट मार्केटिंग। वेरियस आईएमसी मैकेनिज्म्स लाइक पीआर एक्सेट्रा कंबाइंड विद स्पेशल फिनोमिना इन एसोसिएटिंग अ ब्रांड टू अ स्पेसिफिक हैपनिंग इन ऑर्डर टू जनरेट एक्साइटिंग सर्विस रिलेटेड एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंपनी एसोसिएशन इन केस ऑफ स्पेशल इवेंट्स इन इज रिस्ट्रिक्टेड टू फाइनेंशियल और इन काइंड सपोर्ट एज अगेंस्ट स्पॉन्सरशिप। कोई स्पेशल इवेंट हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, वहां पे आप अपने स्पोर्ट्स प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ठीक है, या कोई फूड फेस्टिवल हो रहा है, वहां पे आप अपने रेस्टोरेंट का सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है, दैट इज इवेंट मार्केटिंग। इवेंट के अकॉर्डिंग आप अपना सेल कर रहे हो। नेक्स्ट इज रेफरल्स। इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग, रेफरल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू अ बिजनेस। अब क्या है, कोई आपका नोन है, ठीक है, वो एलपीयू में पढ़ा है, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप उनके पास गए, तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि हम अपने बच्चे को कहाँ, किस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में डालें, तो वो कहेंगे जी एलपीयू यूनिवर्सिटी में डालो, हम भी वहाँ से पढ़े हैं, उनकी पढ़ाई अच्छी है, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, उसको कहते हैं रेफरल्स। नेक्स्ट इज पैकेजिंग। द फिजिकल एविडेंस फैक्टर इज मेजरली इन्फ्लुएंस्ड बाय पैकेजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, इट इज असेंशियल फॉर फंक्शनल रीजंस एज वेल एज फॉर एडिंग वैल्यू टू द सर्विस। अब क्या है, पैकेजिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना पैक करवा के लेके जा रहे हो, ठीक है, अगर ज़्यादा खाना है तो वो डिफरेंट पैकेजिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थाली बना के लेके जा रहे हो, वेज थाली, समथिंग लाइक दैट, तो वो आपको एक थाली में पैक करके देते हैं प्लास्टिक की, ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर के ऊपर, तो आपकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि कस्टमर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो। द फिजिकल फैसिलिटीज क्रिएट द कस्टमर्स फर्स्ट इम्प्रेशन और कंसेप्शन रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड काइंड ऑफ सर्विस। ठीक है, ट्रेड शोज एंड एग्जीबिशंस। अब आपको पता ही है एग्जीबिशंस में कितना कुछ होता है, तो वहां पे हमें बहुत सारे अपने कस्टमर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन आइडेंटिटी। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी हैज पोटेंशियल टू ऑल्टर द मार्केट कंडीशंस फॉर अ कंपनी। इट इंक्लूड्स अ फिगरेटिव विजुअल सिस्टम दैट इनकैप्सुलेट्स द कंपनीज लोगो, साइनेज, वेबसाइट, ब्रोशर्स एंड एडवर्टाइजिंग। वर्किंग एम्बियंस इनसाइड द ऑफिस ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द आइडेंटिटी। अब हम देखते हैं कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, कॉरपोरेट की आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, एलजी के ऑफिस के बाहर एलजी का वो लोगो लगा होगा, ठीक है, सैमसंग के बाहर उनका लगा होगा, बर्गर किंग के बाहर उनका लगा होगा, देन ऐसे ही आगे आगे होते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपके माइंड में एक इमेज सेट हो जाती है। अब बर्गर किंग और मैकडी, क्या इमेज सेट है, बर्गर बर्गर देते हैं वो, डोमिनोज, पिज्जा, माइंड में आता है पिज्जा, तो डेट इज देयर आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज विजुअल मर्केंडाइजिंग। द साइलेंट सेल्समैन फॉर रिटेल फॉर्मेट्स आर कलेक्टिवली नोन एज मर्केंडाइज प्रेजेंटेशन और विजुअल मर्केंडाइजिंग। द विजुअल मर्केंडाइजिंग एक्सरसाइज ऑफ एनी रिटेल अरेंजमेंट इंक्लूड्स द लाइटिंग ऑफ द स्टोर, द
द मैन क्वींस यूनिफॉर्म। अब देखो क्या विजुअल मार्केटिंग में क्या होगा, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, वहां पे वेटर्स जो हैं या जो सर्व कर रहे हैं उनकी सेम यूनिफॉर्म है, लाइटनिंग अच्छी है, तो क्या है आप अट्रैक्ट हो गए कि हाँ हम यहाँ जाएं। अगर आपको कम लाइटनिंग वाली जगह पसंद है आप वहाँ वैसी जगह पे जाओगे, बट क्या होता है वहाँ का इन्वायरमेंट आपके ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हो। इफ देर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।